दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एंड्रॉइड बडी को और बेल आइकन को दबाए सबसे पहले अपडेट्स पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, एंड्रॉइड बडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले सैमसंग गैलेक्सी ऑन 7 प्राइम के कुछ यूनिक फीचर्स और टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। दोस्तों हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो, लेकिन अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको सारे फीचर्स के बारे में पता चलेगा, वरना आप कुछ यूनिक फीचर्स या फिर कुल ट्रिक्स को मिस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरू करते हैं नोटिफिकेशन ड्रॉअर से। नोटिफिकेशन ड्रॉअर को आप अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं। अगर आप नोटिफिकेशन ड्रॉअर को एडिट करना चाहते हैं तो आप नोटिफिकेशन ड्रॉअर में जाने के बाद टॉप राइट कॉर्नर में 3 डॉट्स को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से आप बटन ऑर्डर को सिलेक्ट करेंगे तो आप अपने हिसाब से ये जो नोटिफिकेशन टॉगल्स है इनको आप चेंज करके अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप अगर चाहे तो इसका जो लेआउट है इसको भी चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बटन ग्रिड का जो लेआउट है वो नॉर्मली 4:3 में रहता है। आप चाहे तो इसको 3:3 या फिर 5:3 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। होम स्क्रीन पे अगर आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पे नीचे की तरफ आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ में लेफ्ट साइड में अगर आप जाएंगे तो वॉलपेपर एंड थीम्स का ऑप्शन आपको मिलेगा। आप यहाँ से वॉलपेपर एंड थीम्स को डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो राइट साइड में होम स्क्रीन सेटिंग्स मिलेंगे। होम स्क्रीन सेटिंग्स में अगर आप जाएंगे तो आप अपने होम स्क्रीन लेआउट को चेंज कर सकते हैं। होम स्क्रीन लेआउट नॉर्मली ऐप ड्रॉअर के साथ आता है, अगर आप चाहे तो उसको चेंज करके होम स्क्रीन ओनली पे करेंगे तो आपका ऐप ड्रॉअर गायब हो जाएगा और आपके सारे जो ऐप्स हैं होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। तो देख सकते हैं आपका ऐप ड्रॉअर गायब हो गया और आपके सारे जो ऐप्स थे वो ऑन स्क्रीन पे आ गए हैं। अगर आपको ऐप ड्रॉअर चाहिए तो आप वापस से उसको इनेबल कर सकते हैं होम स्क्रीन लेआउट में जाके। होम स्क्रीन सेटिंग्स में जाके आप ऐप्स को हाइड भी कर सकते हैं। देख सकते हैं नीचे की तरफ हाइड ऐप्स का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर जाएंगे तो आपको सारे ऐप्स दिखाएंगे। आप चाहे तो किसी भी ऐप को सिलेक्ट करके हाइड कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा क्विक ओपन नोटिफिकेशन पैनल का। अगर आप इसको इनेबल करेंगे तो आप नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो आपका नोटिफिकेशन पैनल ओपन होगा। नॉर्मली अगर आप नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं तो आपका मेनू ओपन होता है, या फिर ऊपर की तरफ करेंगे तो आपका मेनू ओपन होता है, लेकिन आप क्विक नोटिफिकेशन पैनल को इनेबल करेंगे तो आप कहीं से नीचे की तरफ होम स्क्रीन में नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो आपका नोटिफिकेशन पैनल आ जाएगा। सैमसंग के नए एक्सपीरियंस यूआई में आपको कोई भी ऐप ड्रॉअर का बटन नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप चाहें तो ऐप ड्रॉअर बटन को इनेबल कर सकते हैं। इसको इनेबल करने के लिए होम स्क्रीन सेटिंग्स में जाइए। जाने के बाद ऐप्स बटन का एक ऑप्शन दिया गया है, इसको सिंपली आप शो ऐप्स बटन कीजिए तो आपका ऐप बटन जो है राइट साइड कॉर्नर में आ जाएगा, जैसे कि आप लोग देख पाएंगे। ऑन 7 प्राइम में आपको मल्टी विंडो मोड का सपोर्ट मिल जाता है और मल्टी विंडो में जाने के लिए आपको रीसेंट मेनू में जाके किसी भी ऐप को पकड़ के ऊपर की तरफ लेके जाना होगा तो आपका मल्टी विंडो मोड में आ जाएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मल्टी विंडो मोड में आ गया है। मल्टी विंडो मोड के साथ भी आप चाहे तो पॉपअप व्यू में भी किसी भी ऐप को यूज़ कर सकते हैं। पॉपअप व्यू में ऐप को यूज़ करने के लिए आपको किसी भी ऐप को ड्रैग करके नीचे की तरफ ड्रॉप करना होगा। नीचे की तरफ अगर ड्रॉप करेंगे तो आपका ये पॉपअप व्यू में खुल के आ जाएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं पॉपअप व्यू में आ गया है और आप चाहे तो यहाँ पर मल्टीपल पॉपअप व्यू में एप्लीकेशंस को यूज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं आप मल्टीपल ऐप्स को एक ही विंडो के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। ऑन 7 प्राइम में आपको एस सिक्योर का ऑप्शन मिल जाता है। एस सिक्योर को एक्सेस करने के लिए आपको मेन्यू में जाना होगा। मेन्यू में जाने के बाद सैमसंग फोल्डर में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाता है एस सिक्योर का। एस सिक्योर को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ एडिशनल फीचर्स मिलेंगे। जैसे यहाँ से आप किसी भी ऐप को लॉक कर सकते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर से। फिंगरप्रिंट सेंसर को लॉक करने के लिए लॉक एंड मास्क ऐप्स में जाइए और इसको सेटिंग्स में जाके आप इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पर आप किसी भी ऐप को लॉक कर सकते हैं। आप अपने फिंगरप्रिंट से या फिर पैटर्न से किसी भी ऐप को लॉक करके रख सकते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ऑलरेडी गैलरी को लॉक करके रखा है, तो गैलरी को ओपन करने जाएंगे तो आपको फिंगरप्रिंट या पैटर्न पूछेगा। फिंगरप्रिंट डाल देंगे तो आपका गैलरी ओपन हो जाएगा। लॉक ऐप्स के साथ साथ आप ऐप्स को मास्क भी कर सकते हैं। अगर आप किसी भी ऐप को मास्क करेंगे तो उस ऐप से आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा। इसके साथ साथ अगर सैमसंग फोल्डर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक और अच्छा फीचर है जो कि है यूएसबी बैकअप का। यूएसबी बैकअप की मदद से जब भी आप कोई भी यूएसबी डिवाइस अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट करेंगे, जैसे पेन ड्राइव वगैरह कनेक्ट करेंगे, तो उसमें आप अपना बैकअप कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको एक और एडिशनल सिक्योरिटी फीचर मिलता है जो कि है सिक्योरिटी फोल्डर। सिक्योर फोल्डर को भी आप फिंगरप्रिंट से लॉक कर सकते हैं। सिक्योर फोल्डर को फिंगरप्रिंट से ओपन करके यहाँ पर आप चाहे तो कोई भी फाइल, फोटोज, वीडियोज़, कैलेंडर, ईमेल वगैरह कुछ भी सेव करके रख सकते हैं। यहाँ पे जब भी आप कोई फाइल, फोटो वगैरह सेव करेंगे तो आपके वो नॉर्मल गैलरी में नहीं रहेंगे या नॉर्मल फाइल मैनेजर में नहीं दिखेंगे। तो आप चाहे तो अपने हिसाब से जो प्राइवेट डेटा है आप चाहे तो इनको
सिक्योर फोल्डर के अंदर रख सकते हैं और कोई भी उनको एक्सेस नहीं कर पाएगा बिना पैटर्न या फिंगरप्रिंट डाले। और अगर आप चाहें तो सिक्योर फोल्डर का जो आइकन है उसका आइकन का लुक भी चेंज कर सकते हैं और उसका नाम भी चेंज कर सकते हैं ताकि लोगों को पता ना चले कि ये सिक्योर फोल्डर है। तो उसको करने के लिए सिक्योर फोल्डर के अंदर थ्री डॉट्स को सिलेक्ट करेंगे राइट साइड कॉर्नर में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कस्टमाइज आइकन का ऑप्शन दिया गया है। कस्टमाइज आइकन को सिलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं सिक्योर फोल्डर का नाम चेंज कर सकते हैं और उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो नीचे में आप ऐप का जो आइकन है उसको भी चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। ऑन सेवन प्राइम में आप चाहे तो किसी भी नंबर को ब्लॉक कर सकते हैं और इसके लिए आपको कोई थर्ड पार्टी ऐप की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल फ़ोन ऐप में जाइए, नॉर्मल फ़ोन ऐप में जाने के बाद टॉप राइट साइड कॉर्नर में थ्री डॉट्स को सिलेक्ट करेंगे, वहाँ पे आपको सेटिंग्स मिलेगा। सेटिंग्स में जाके अगर आप देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा ब्लॉक नंबर्स का। यहाँ पे आप किसी भी अननोन नंबर को या फिर कोई नंबर जिसको आप ब्लॉक करना चाहते हैं उस नंबर को ब्लॉक करेंगे तो यहाँ पे उस नंबर से आपके पास कोई भी एसएमएस या कॉल्स नहीं आएंगे, या फिर ब्लॉक अननोन कॉलर्स करेंगे तो अननोन नंबर से आपके पास कोई भी कॉल नहीं आएगा। सैमसंग के एक्सपीरियंस यूआई को आप कन्वर्ट करके एक ईजी मोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको करने के लिए आपको सेटिंग्स में आना होगा। सेटिंग्स में आने के बाद डिस्प्ले मोड में जाएंगे। डिस्प्ले सेटिंग्स में जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है इजी मोड का। इजी मोड को अगर आप इनेबल करेंगे तो आपका फ़ोन बिल्कुल ही एक इजी मोड में बनके चला आएगा जो कोई भी बच्चा या बुजुर्ग आदमी ईजिली एक्सेस कर पाए या ईजिली यूज़ कर पाएंगे। तो देख सकते हैं इजी मोड में सब कुछ बहुत ही ईजी होकर आ गया है और यहाँ पर किसी को भी ये फ़ोन यूज़ करने में बहुत ही आसानी होगा। इसके अलावा भी अगर आप डिस्प्ले सेटिंग्स में जाएंगे तो आप यहाँ से आपके फ़ोन के जो फॉन्ट्स हैं या फिर सारे ऐप्स आइकन्स जो है उनका आप चेंज कर सकते हैं, उनका साइज़ चेंज कर सकते हैं या फिर सिर्फ फॉन्ट साइज़ को भी चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। और अगर आप चाहे तो कुछ फॉन्ट्स को भी यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे देख सकते हैं प्रीलोडेड कुछ फॉन्ट्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं और आप चाहे तो यहाँ से नए फॉन्ट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऑन सेवन प्राइम में आपको सैमसंग मॉल का ऑप्शन मिल जाता है और सैमसंग मॉल को यूज़ करके आप किसी भी प्रोडक्ट का फोटो खींच के उस प्रोडक्ट के सजेशंस पा सकते हैं और उस टाइप के प्रोडक्ट आप किस वेबसाइट से खरीद सकते हैं वो भी आप पा सकते हैं। तो इसको करने के लिए सिंपली आपको सैमसंग मॉल को ओपन करना होगा और इसके लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होगा। सैमसंग मॉल को ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं सर्च ऑप्शन में एक कैमरे का आइकन दिया गया है, इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास कैमरा यूआई खुल के आ जाएगा और जिस प्रोडक्ट को आप ढूंढना चाहते उस प्रोडक्ट को कैमरे के सामने लाइए और उसका एक फ़ोटो कैप्चर कर लीजिए। फ़ोटो कैप्चर करने के बाद ऑटोमेटिक ये शॉप नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपका ये जो प्रोडक्ट है उसका सर्च करेगा, ये फ़ोन सर्च करेगा। सर्च करके आपको सारे जो अप्रॉक्सीमेटली प्रोडक्ट्स है वो सारे आपको दिखा देंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कैनन का जो चार्जर है उस टाइप के चार्जर्स के जो लिंक है वो आपको नीचे मिल जाएंगे और उनका प्राइस भी आप देख सकते हैं। तो बेस्ट प्राइस आपको जहाँ से मिले तो आप उसको खरीद सकते हैं। तो अप्रॉक्सीमेट सारे मिलते जुलते प्रोडक्ट्स यहाँ पर शो करते हैं लेकिन कभी कभार ये राइट प्रोडक्ट को नहीं दिखा पाता, तो ये फ्यूचर अपडेट्स में और ज़्यादा बेहतर होगा तो उसको तब आप बहुत आसानी से यूज़ कर पाएंगे। ऑन सेवन प्राइम के सेटिंग्स में एडवांस फीचर्स का एक ऑप्शन मिल जाता है। एडवांस फीचर में जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास और भी बहुत सारे एडवांस फीचर आ जाएंगे। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 100 मोड का एक ऑप्शन दिया गया है। 100 मोड को आप यूज़ कर सकते हैं। 5.5 इंच के डिस्प्ले को अगर यूज़ करने आपके लिए डिफ़िकल्ट हो तो आप 100 मोड में यूज़ कर सकते हैं। इसको करने के लिए फर्स्ट इसको इनेबल कीजिए, इनेबल करने के बाद किसी भी कॉर्नर से ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे तो आपका ये 100 मोड में आ जाएगा। 100 मोड के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाता है क्विक लॉन्च कैमरे का। आप चाहे तो जब भी जल्दी से अपने कैमरे को ऑन करना चाहते हैं तो लॉक स्क्रीन सिचुएशन में भी अगर आप अपने होम बटन को दो बार प्रेस करेंगे तो आपका कैमरा जल्दी से ऑन हो जाएगा। ऑन सेवन प्राइम में आपको प्रीलोडेड ऐप ट्विन या फिर डुअल मैसेंजर का ऑप्शन मिल जाता है, जिसकी मदद से अगर आप फेसबुक, ट्विटर या व्हाट्सएप का दो अकाउंट एक ही फ़ोन से यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स में एडवांस फीचर में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाता है डुअल मैसेंजर का। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं डुअल मैसेंजर को सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास सारे जो प्रीलोडेड सोशल नेटवर्किंग ऐप्स हैं वो सारे यहाँ पर दिखाएंगे और जिस ऐप का आपको ऐप ट्विन चाहिए तो उसको आप इनेबल यहाँ से कर सकते हैं। ऑन सेवन प्राइम में आपको पैनिक मोड का ऑप्शन भी मिल जाता है। पैनिक मोड को इनेबल करने के लिए आपको तीन बार अपने पावर बटन को प्रेस करना होगा और आपका पैनिक बटन इनेबल हो जाएगा और इसके बाद इमरजेंसी नंबर पे आपका कॉल चला जाएगा और उसके साथ आप जिनका नंबर सेव करके रखेंगे उनके पास आपका एक SOS मैसेज भी चला जाएगा। सेटिंग्स के अंदर आपको डिवाइस मेंटेनेंस का एक ऑप्शन मिल जाता है। डिवाइस मेंटेनेंस के अंदर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ एडिशनल फीचर्स मिलेंगे। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बैटरी सेवर का कुछ ऑप्शंस दिया गया है, स्टोरेज के ऑप्शंस है, स्टोरेज को आप क्लीन कर सकते हैं और यहाँ पे आपको मेमोरी का ऑप्शन भी मिल जाता है यानी कि रैम का ऑप्शन भी मिल जाता है। आप चाहे तो रैम को भी यहाँ से क्लीन कर सकते हैं, आपको कोई थर्ड पार्टी क्लीनर की ज़रूरत नहीं है
और उसके साथ डिवाइस सिक्योरिटी यानी कि एंटीवायरस का ऑप्शन भी दिया गया है। और यहाँ से आप अल्ट्रा डेटा सेविंग मोड में भी इनेबल कर सकते हैं, जिसकी मदद से अगर आपके पास लिमिटेड डेटा है तो आप बहुत ही यूजफुल तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे बैटरी के अंदर में जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल पावर सेविंग मोड्स आ जाते हैं, जैसे आप लोग देख सकते हैं मीडियम में यूज़ कर सकते हैं या फिर मैक्सिमम में यूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ साथ इस पावर प्लानिंग के अंदर तो यहाँ पे आप कॉल्स के लिए बैटरी रिजर्व करके रख सकते हैं या फिर बैटरी टाइम को एक्सटेंड कर सकते हैं, या फिर जब आपके फ़ोन में बैटरी नहीं रहेगा, फ़ोन आपका ऑफ हो जाएगा, तो आपके जो कॉल्स है उसको दूसरे नंबर पे फॉरवर्ड ये ऑटोमेटिक कर देगा। तो ये सब आप बैटरी आइकन को सिलेक्ट करके कर सकते हैं और ये सब आपको डिवाइस मेंटेनेंस के अंदर मिल जाएगा। ऑन 7 प्राइम में फिंगरप्रिंट से ना ही सिर्फ अपने ऐप को लॉक कर सकते हैं या फिर अपने फ़ोन को अनलॉक कर सकते हैं, इसके साथ साथ आप किसी भी वेबसाइट में अगर आप लॉगिन करना चाहते हैं तो आप अपने फिंगरप्रिंट से लॉगिन कर सकते हैं। इसको करने के लिए आपको सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स में जाने के बाद लॉक स्क्रीन एंड सिक्योरिटी में जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाता है सैमसंग पास का। सैमसंग पास को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप फिंगरप्रिंट से आप ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। एक बार जब आप ऑथेंटिकेट कर देंगे किसी भी वेबसाइट को, तब दोबारा जब लॉगिन करने जाएंगे तो आप अपने फिंगरप्रिंट से ही लॉगिन कर सकते हैं। आपको पासवर्ड बार बार डालने की ज़रूरत नहीं है। ऑन 7 प्राइम में प्रीलोडेड जो वीडियो प्लेयर आता है वो काफ़ी यूजफुल वीडियो प्लेयर है। आप चाहे तो इस वीडियो प्लेयर का यूज़ करके पॉपअप व्यू में भी वीडियो प्ले कर सकते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं ये वीडियो जो है नॉर्मल मोड में प्ले हो रहा है, लेकिन अगर आप चाहे तो इसको पॉपअप व्यू में भी देख सकते हैं। पॉपअप व्यू में करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे पे एक आइकन दिया गया है, लॉक के बाद सेकंड में एक आइकन दिया गया है, इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपका ये पॉपअप व्यू में किसी भी विंडो के ऊपर आ जाएगा। तो अगर आप कोई छोटा मोटा काम कर रहे हैं और उसके ऊपर आपको वीडियो देखना है तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप किसी भी वीडियो का एक जिप बना सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में आपको दिया गया है जिप का ऑप्शन, जिप को सिलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पे एक पूरे वीडियो से छोटा एक क्लिप उठा के बना सकते हैं और छोटा एक क्लिप आपका जो है वो एक जिप बन के आ जाएगा। ऑन 7 प्राइम में आपको सैमसंग पे मिनी का सपोर्ट मिल जाता है और पे मिनी को यूज़ करके आप ऑनलाइन UPI वॉलेट्स या फिर मोबाइल वॉलेट्स को यूज़ करके पेमेंट बहुत ही सिक्योर तरीके से बहुत ही ईजीली कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको बिक्सबी का सपोर्ट भी मिल जाता है। अगर आप राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ अपने होम स्क्रीन में स्वाइप करेंगे तो आपका यहाँ पे बिक्सबी आ जाएगा। बिक्सबी यूज़ करने के लिए आपको सैमसंग अकाउंट से लॉगिन करना पड़ेगा। सैमसंग अकाउंट से लॉगिन करने के बाद यहाँ पे कुछ न्यूज़ फीड्स, कुछ वीडियोस, कुछ पोस्ट वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आपके यूज़ के अकॉर्डिंगली यहाँ पे रोज रोज अपडेट्स होते रहेंगे, वीडियोज़, न्यूज़ और ये सब बहुत सारी चीज़ अपडेट होते रहेंगे। तो दोस्तों ये था सैमसंग गैलेक्सी ऑन 7 प्राइम के कुछ यूनिक फीचर्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और अगर आपको और भी ऐसे वीडियोस देखना है तो सब्सक्राइब कीजिए एंड्रॉइड बडी को। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और आपका दिन शुभ हो।